भाई व्यूअर्स, जैसे कि हमारा ट्रिप कंटिन्यू है और थोल साइड से ऊपर आएंगे तो मेन जो थोल साथ जहाँ पर छप छोड़ व्यू पॉइंट राकापोशी, जहाँ का जो पानी आता है पूरा पानी इस ग्लेशियर से आता है। ये राकापोशी का जो व्यू है वो जो चेहरे हैं डिस्ट्रिक्ट नेयर की तरफ सात एंगल्स में नजर आता है, एक शेनबर से और सेकंड जो होता है वो सिकंदराबाद के बाद जाफराबाद के बाद थोल से नजर आता है। और थोल का ये आप देख सकते हैं पूरा परफेक्ट बेस कैंप तक हम पहुंचे हैं। यहाँ से कुछ ही रास्ता रह गया जिसके बाद हम करीब पहुंचेंगे, पानी पियेंगे, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होंगे और हम वापस जाएंगे। और मेरे बैक साइड पर आप पूरा देखिए सूरज, बादल, ग्रीनरी, नीचे आप इसी जगह पर, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर फूल देख सकते हैं हर तरह से। और यहाँ पर लकली तुमुर भी मिल सकता है जो आप इस तरह खा सकते हैं। इसके कारण से ये होगा कि जितनी भी थकान है सब निकल जाएगी और उसके बाद हम है राहे प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। और इसके बाद और सफ़र दोबारा कंटिन्यू है। ये जितना खूबसूरत है उतना ख़तरनाक भी है। आप देख सकते हैं नीचे कितना डेंजरस है। हमें इसके इस साहिल की तरफ ज़्यादा नहीं, थोड़ा अंदर होके चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से गिर गए तो फिर आप तीसरे पे चावल खाओगे, सातवें पे कुरमा खाओगे और पांचवें दिन हमें भूल जाओगे। ओके, वी मस्ट टेक केयर। यूट्यूब के चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब करोगे। गुलेल लेके भी आए लड़का। माय व्यूअर्स, राकापोशी को, राकापोशी बेस कैंप को शायद जितना मैं इस टाइम जिस करीब से जिस ग्रीनरी के साथ देख रहा हूँ शायद किसी ने नहीं देखा होगा। और ये देखिए कितना ख़तरनाक रास्ता है। और ठीक मेरे ऊपर साइड पे ब्रो है, ब्रो और ये लड़के इधर आ रहे हैं। वहाँ हमारा बेस कैंप था, वहाँ से आए एंड वी आर स्टिल वॉकिंग और हम एंड वी विल रीच एट द टॉप प्लेस ऑफ दिस ग्रीन माउंटेन। कम ऑन बॉयज, कीप इट अप। यहाँ पहुँचते पहुँचते ना इतना बुरा हाल हो गया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं, बहुत थक गया हूँ। मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ रास्ते में, इसको आप खा सकते हैं। खाने का फायदा ये होगा कि थकान निकल जाती है। मत लड़ो यार, चलो हम यहाँ थक गए हैं। जमीन पे जन्नत किसी को देखनी है तो वो डिस्ट्रिक्ट नेगेर आ जाए, वो राकापोशी बेस कैंप आ जाए। चाहे बेस कैंप, चाहे बेस कैंप हपुखन मियाछर में हो, क्या कहते हैं मिनपिन में हो, या थोल साइड के ऊपर से हो, या गब्बा हो, या बहुत से ऐसे ट्रैक है डिस्ट्रिक्ट नगर पे जहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ मत आइएगा। सो व्यूअर्स, वन ऑफ ब्रिलियंट व्यू इन फ्रंट ऑफ राकापोशी। और शायद हमें टेंट इधर लगाना था, इधर लगाना चाहिए था, नहीं लगाया।
तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ इस जगह को। ये आप मुलाहिजा कीजिए, आज मैं एक ऐसे जगह पे आया हूँ राकापोशी बेस कैंप पे, जहाँ पर यहाँ के मुगामी लोगों ने भी इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया था। ये इस लोकेशन के बारे में मैं बता दूँ कि जैसे कि मैंने पिछले भी बताया है कि ये डिस्ट्रिक्ट नगेर का क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट नगेर थोल छपछरूबी पॉइंट से स्ट्रेट जो क्या कहते हैं रोड है उसको फॉलो करेंगे तो क्या कहते हैं बाइक ड्राइव आप आधे रास्ते आते हो, वहाँ से आगे आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ट्रैकिंग करके आप इस जगह पे पहुँचते हो, यहाँ पर आप बाकायदा कैंपिंग कर सकते हो, बाकायदा आप अपने टेंट्स लगा सकते हो, जहाँ पर राकापोशी व्यू उसका ग्लेशियर। हम इतनी ऊंचाई पर आए हैं कि ग्लेशियर थोड़ा नीचे ग्रीनरी ऊपर है और यहाँ पर पूरा एक बेहतरीन व्यू है, व्यूज मतलब डिफरेंट कलर के फूल्स। और उसके अलावा भी मैं आपको अपने राइट साइड पे, मेरा कैमरामैन मुझे दिखाए कि अगर आप मुझे फॉलो करें मेरे फ्रेंड साइड पर आप देखें तो आपको हंसा के पहाड़ नजर आएंगे। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हंसा एंड नगेर। आपको जैसा कि पता है कि ये दोनों एक डिस्ट्रिक्ट है और इनके अपने अपने अलग की एक आइडेंटिटी है। और इस टाइम हम दीनान पीक, गोल्डन पीक और मीर शिकार पहाड़ के ठीक सामने हैं, जहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं और बहुत कम एक्सप्लोर करते हैं इस प्लेस को। सो साजिद रहोला व्लॉग्स पे मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के नए जो हिडन नगेर के जो लोकेशंस हैं, विजिटिंग पॉइंट्स हैं, कैंपिंग पॉइंट्स हैं, ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, इनको एक्सप्लोर कर सकूँ। सो एज मैं जितना मतलब जो मुझसे हो सके एज आई डू। सो राइट नाउ ये है राकापोशी नगेर का फ़खर और यहाँ पर बेहतरीन कैंपिंग के लिए परफेक्ट जगह, और यहाँ से आगे आप सदपारा बन सकते हो। सो एक साल पहले वाजिदुल्लाह नगरी ने ठीक इसी पहाड़ को सबमिट किया था, और इसी पहाड़ को सबमिट करने का जो रास्ता था वो इधर से था, इस स्ट्रेट से उसने फॉलो किया था और इस रास्ते को इधर से होते हुए उसने सबमिट किया था। 7788 फीट की ऊंचाई पर यह पहाड़ है और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल माउंटेन्स की उसमें रेंज में देखे तो ये जो पहाड़ है वो 27वां ऊंचे पहाड़ में आता है जो मैंने पढ़ा है। सो फाइनली मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इधर आए, इन जगहों को एक्सप्लोर करें। इवन मैं यहाँ के मुकामी लोगों को ज़्यादातर ये फोकस करूँगा कि प्लीज़ आप एक्सप्लोर करें इन जगहों को और टूरिज्म को इस जगह पे लाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर लाइक्स, कमेंट्स एंड योर एवरीथिंग। सब्सक्राइब टू साजिद रहोला व्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच, बाय।